नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। आज हम बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी पिछले दो वर्षों से परीक्षा कार्यक्रम करते आ रहे हैं, इसी तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया। मोदी बच्चों की परीक्षाओं के तनाव को दूर करने के लिए और उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली के स्टेडियम पहुंचे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम उनके दिल के बहुत करीब है। आपको बताते चले कि पीएम ने परीक्षा पे चर्चा का पहला प्रसारण 16 जनवरी 2018 को किया था और दूसरा 29 जनवरी 2019 को, और अब यह तीसरा कार्यक्रम है जो कि 20 जनवरी 2020 को किया गया। 20 जनवरी को मोदी परीक्षा से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली के कालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनियों को देखा जो कि हर योजना को दर्शा रही हैं। जागरूकता को लेकर यानी प्लास्टिक से जुड़ी योजना, स्वास्थ्य को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत और जल संरक्षण को लेकर, ये 5 योजनाओं पर प्रदर्शनी दिखी। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे मौजूद रहे, जहां इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अब मानव संसाधन एवं विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को उनके विचारों और प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने के लिए मंच पर बुलाया गया। मोदी ने सबसे पहले मंच पर आकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और यह भी कहा कि यह वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है और इस बार भी सबसे ज्यादा योगदान 10वीं और 12वीं के बच्चों का ही रहेगा, जो इस साल को महत्वपूर्ण बनाएंगे। साथ ही मोदी ने यह भी बताया कि उनको युवा पीढ़ी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां परीक्षा को लेकर पूछे गए सवालों पर मोदी ने बड़े ही उत्साह के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा को लेकर अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मनोदशा खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा को कभी इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा नंबर लाना ही सफलता नहीं है, बल्कि विफलताओं से सफलता भी मिलती है। मोदी ने एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का होना भी ज़रूरी है, और ऐसे ही काफ़ी सवालों और जवाबों की प्रक्रिया चालू रही। नमस्ते, आप लोग बैठिए। फिर एक बार आपका ये दोस्त आपके बीच में है। मैं सबसे पहले तो 2020 इस नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 2020 का सिर्फ नया वर्ष ऐसा नहीं है, ये नया डेकेड है, नया दशक है, और आपके जीवन में ये दशक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हिंदुस्तान के लिए भी ये दशक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में देश जो भी करेगा उसमें इस समय जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा। मतलब ये दशक महत्वपूर्ण बने, नई ऊंचाइयों को पाने वाला बने, नए सपने, नए संकल्प, नए अरमान, नई सिद्धियों के साथ आगे बढ़े। ये सब इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है, और इसलिए भी इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
सरकार। मैं अर्दीप कौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलूका, 12वीं कक्षा की छात्रा, पंजाब से हूँ। सर, मैं बोर्ड के एग्ज़ामों में तो अच्छे अंक ला सकती हूँ, लेकिन सर जब बात कंपटीशन एग्ज़ाम की आती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस विषय में मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्दीप। महोदय, अर्दीप व निशा की जिज्ञासा पर मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसलिए नहीं कि वो किताब मैंने लिखी है, लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि हो सके तो इसी दो दिन में आप परीक्षा पर चर्चा, एग्ज़ाम वॉरियर मेरी जो किताब है, एक्चुअली वो मेरी नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा धीरे 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 पनपती जा रही हो किताब, नए नए पहलू जुड़ जाते हैं, आप लोग उसको दो बार पढ़िए, आने वाले दो तीन दिन में दो बार पढ़िए, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि 12th तक तो अच्छा करने के बावजूद भी आगे के एग्ज़ाम का तनाव रहता है। ये तनाव किस चीज़ का है? तनाव आपको माइन्यूटली, और मैं मानता हूँ जो 12th के बच्चे हैं उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह, ये तनाव एग्ज़ाम का नहीं है। जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्ज़ाम का तनाव कहते हैं, वो एग्ज़ाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्ज़ाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। अगर मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्ज़ाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक करियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ेंगे तो उसका बहुत सरल उसमें जवाब है कि आप, और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी बनने के सपने न पालें। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जीवन की विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा, और इसलिए जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे, कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे तो आपको कभी भी ये एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए समाचार इंडिया से। खबर से लेकर असर तक, नमस्कार।